हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपने परिभाग कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो सोल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर सोल के एडमिशन कब से शुरू होंगे। क्योंकि मोस्टली कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके 12th और 10th के रिजल्ट डिक्लेयर 12th के तो आ ही चुके हैं। जैसे यूपी का कल आ गया, यूपी बोर्ड का रिजल्ट 12th का, जिसमें टॉपर गर्ल्स ने किया है। उत्तराखंड का आ गया, राजस्थान का आ गया, और अभी भी कई सारे ऐसे स्टेट है जिनका इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो स्टूडेंट मैसेज करके ये बोल ले कि सर हमारा रिजल्ट आ चुका है, अब ये बता दीजिए कि हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हमें स्टडी करनी है, बट हमें रेगुलर नहीं पढ़ना, हमें ओपन करनी है, तो हमें सोल में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे? तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो सोल में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोल से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली हम आप तक प्रोवाइड आपको इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे, ठीक है? तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो सोल के न्यू एडमिशन है 2022 के लिए, वो अगले महीने से शुरू होंगे। दोबारा बता रहा हूँ, सोल न्यू एडमिशन 2022 अगले महीने लास्ट वीक तक शुरू होंगे, यानी जुलाई के लास्ट वीक से आपके एडमिशन शुरू होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, वो मैं बता दूँ। एक्चुअली अभी तक CBSE का 12th का रिजल्ट नहीं आया है। सोल दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, मतलब दिल्ली का कॉलेज है, और CBSE के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर मोस्टली सोल में एडमिशन लेते हैं। तो सोल अभी जब तक CBSE का 12th का रिजल्ट नहीं आता, तब तक सोल के जो एडमिशन है तब तक स्टार्ट नहीं होंगे, चाहे आपके रिजल्ट आ जाए या नहीं आए, क्योंकि सोल को CBSE के रिजल्ट का इंतज़ार है। और CBSE का जो 12th का रिजल्ट है वो आपको 15 जुलाई तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 जून तक पेपर थे, पेपर ख़त्म हुए हैं, और एक महीना कम से कम सीट चेक करने में लगेगा 12th के रिजल्ट को। तो CBSE के जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ आपके रिजल्ट के लिए भी, आपका रिजल्ट अगले महीने ही आएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब जाके सोल के न्यू एडमिशन शुरू होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर जब एडमिशन शुरू होंगे तब हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो देखिए, उसके लिए हम आने वाले टाइम पर बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। बट इतना समझ लीजिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप एडमिशन नहीं ले सकते। एक बार बताइए, मान लीजिए आज एडमिशन शुरू हो गए, जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया, CBSE का तो आया नहीं, फिर आप एडमिशन कैसे लेंगे CBSE वाले? क्योंकि उसमें तो मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि सोल के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होता, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। आईडी कार्ड आपको डायरेक्ट मिलता है हाथों हाथ, सब कुछ इसमें डायरेक्ट होता है, इसमें कोई आपका टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है? तो BA प्रोग्राम, BCom, BA ऑनर्स, और इस साल तो कई सारे कोर्सेज भी सोल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे वो होगा मैं आपको बता दूंगा, जैसे आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो CBSE के 12th का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सोल के न्यू एडमिशन किसी भी हालत में शुरू नहीं हो सकते। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से है, तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि CBSE ही मेन है। CBSE का जब रिजल्ट आएगा तभी सोल के एडमिशन शुरू होंगे, उसके बिना एडमिशन शुरू नहीं होंगे, क्योंकि सोल दिल्ली का कॉलेज है और CBSE भी दिल्ली में ही है, और भी स्टेट में है, बट सबसे बड़ा जो बोर्ड है वो दिल्ली का ही है। CBSE इनका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो CBSE से बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही एडमिशन होगा। अभी एडमिशन अगर शुरू भी हो जाएंगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, तो इतनी जल्दी होगा भी नहीं कोई, क्योंकि कॉलेज खाली रहेंगे। बाहर के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी कम एनरोल कराते हैं, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी जो रहती है उनकी स्टेट में ज़्यादातर रहती है, जो बाहर से दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए उन्हें ही ज़्यादा शौक है सोल में एडमिशन कराने का। वैसे दिल्ली के ही स्टूडेंट सोल में जाते हैं जो CBSE और जो स्कूलों से बिलोंग करते हैं, जैसे आपके सर्वोदय बाल विद्यालय हो गए, गवर्नमेंट वाले स्कूल और प्राइवेट वाले, ठीक है? तो जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कॉलेज अपडेट्स आज स्टूडेंट की पहली पसंद है,
क्योंकि कॉलेज अपडेट्स ने हमेशा स्टूडेंट की हेल्प की है और करते रहेंगे। आपका साथ होना चाहिए, आप फैमिली के मेंबर बन जाइए हमारे, आप और हम आपकी डिग्री तक हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।